मैं इस घटना की घोर भर्त्सना करता हूँ। एक कायराना हमला है, ये मतदान से घबराए हुए लोगों का, हताश और निराश लोगों का ये काम है। और काम के आधार पर काम करने वाले लोगों का, जो लोकतंत्र में विश्वास नहीं है, वैसे लोगों का हमला। और यह हमला बिहार के टोटल जो लोकतंत्र की पद्धति में विश्वास करते हैं उन पर हमला है। और मैं मानता हूँ ये साजिश के तहत हमला हुआ है, और इस साजिश का उच्च स्तरीय जांच करके पर्दाफाश करना चाहिए, और ऐसे कृत्यों में जो संलग्न है उनको उचित दंड भी मिलना चाहिए। अभी प्रचार चल रहा है, सबको अधिकार है अपनी बात रखने का, और हम इसे डरने वाले नहीं हैं। हम मुकाबला करेंगे, और हमारी आस्था यदि लोकतंत्र के प्रति है तो हम इसका मुकाबला करेंगे। लेकिन हम कभी ऐसी हरकतों को पसंद नहीं कर सकते हैं, और बिहार पुनः उस ओर नहीं जा सकता है अराजकता के दौर में जिस ओर लोग चाहते हैं। अराजकता का दौर खत्म हो चुका है, बिहार छलांग लगा चुका है, बड़ी छलांग लगाने की तैयारी में है। और इसलिए जो लोग इस ढंग की घटना करते हैं, न केवल मैं निंदा करता हूँ बल्कि अपने साथियों से मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि डट करके ऐसे हिंसक तत्वों का शांतिपूर्ण तरीके से आप मुकाबला करें। चूँकि हम गांधी लोहिया जयप्रकाश के सिद्धांतों में विश्वास करते हैं, हम अपनी बात मजबूती से कहते रहेंगे चाहे इसका परिणाम जो भी भुगतना पड़े। इसलिए मैं न केवल इसकी निंदा करता हूँ लेकिन समाज के सभी तबके को मैं ऐसे कृत्यों के खिलाफ खड़ा होने की अपील करता हूँ। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।